good morning, everyone. i hope you all are fine at your places. this is Manpreet. today we are going to start with your poem, the ballad of samar water. this is about the story of the samar water. samar water is the name of a lake. this poem is written by sir williams watson. now, in this poem, we will talk about a stranger, Who visited a town and asked people to give him food? Did they give him food? Read it. We are going to read it and find out what happened. हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि एक स्ट्रेंजर कैसे टाउन में जाता है और फूड की डिमांड करता है क्या वो लोग उसे फूड देते हैं चलो रीड करते हैं पता करते डीप ए स्लीप डीप ए स्लीप डीप ए स्लीप इट लाइस And many a fathom, many a fathom, many a fathom below. In a king's tower and a queen's bower, the fishes come and go. Deep asleep, deep asleep, deep sleep it lies, means summer water, sky, may. के नीचे इतना डीप फील कर आ रहा था इतनी डीप लेक है जैसे कि वो बहुत ही गहरी नींद में कोई सो रहा हो इतना शांत एटमोसफियर था मैनी अ फैतम मैनी अ फैत्म मैनी बिलो मीन्स बहुत गहरा बहुत गहरा बहुत गहरा फैतम इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन मीन्स टू डिस्क्राइब द डीपनेस ऑफ द वाटर एंड द किंग्स टावर एंड क्वीन्स पावर द फिश कम एंड गो उस इतने गहरे सैमर वाटर में एक किंग का टावर और क्वीन का ड्राॅइंग रूम जहाँ क्वीन रेडी होती है वहां फिशेज आती हैं एंड जाती हैं इस पूरे स्टांजा का मीनिंग है साइमर वाटर लेक में इतना डीप किंग का टावर था जहां पे क्वीन अपने ड्राइंग रूम में अपनी हेयर ड्रेस करती थी एंड उसमें फिशेस आती जाती थी वंस दे बाय सैम वाटर टाउन एंड टॉल किंग्स टावर क्वीन्स पावर एंड द वेक मैन ऑन द वॉल एक की बात है सैमर वाटर के साइड पे मीन सेवन वाटर लेक के साइड पे एक बहुत बड़ा टाउन हुआ करता था वो बहुत ही बड़ा था जो कि जहाँ पे किंग का टावर था और मीन्स किंग का महल था और जहाँ क्वीन अपना क्वीन का रूम था वहाँ एक दरबारी भी था जो कि उनके दरवाजे पे पहरा देता था bagger, and sore. I faint for लैक ऑफ ब्रेड किंग्स टावर क्वीन्स पावर कास्ट एम फोर्थ एंड फेड ऑल ऑफ सडन वहाँ पे एक बैगर आता है और उन्हें खाना मांगता है कहता है कि मैं भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं मुझे क्या मुझे खाना दोगे तो वहाँ जो वहाँ वेकमैन खड़ा होता है वो उसे खाना नहीं देता और वहाँ से भगा देता है नो कैपीटर ऑफ दर्ट मैन कॉट दर्ट काट इन दिवर में जाता है डेल मीन वैली वहां पे एक कॉटेज होती है कॉटेज मीन्स आ स्मोल हट कुटिया जिसे बोलते हैं वहां वो नॉक करता है और खाना मांगता है वो पुअर पीपल इतने पुअर थे फिर भी उन्होंने अपना खाना और, केक्स, और अपना ड्रिंक उन्हें दे दिया एल मीन अ ड्रिंक अ टाइप ऑफ बियर फिर भी उन्होंने उसे वो दे दिया ही हैज कर्स्ट अलाउ दिटी प्राउट ही हैज़ कर्स्ट इट इन इट्स प्राइट ही हैज़ कर्स्ट इट इंट सम वाटर डाउन द ब्रांड हिल he has हैज it into some water there to bite. वो उस सिटी को जिसने उसे खाना नहीं दिया था उसे अभिशाप देता है उसे श्राप देता है कि उसका प्राउड उसका प्राइड उसका मान सम्मान उस सैमर वाटर में डूब जाएगा और वो हिल साइड में स्टीप हिल साइड में नीचे गहरा डूब जाएगा ताकि जो सैमर वाटर में वो हमेशा के लिए समा जाए सैमर वाटर लेक में वो हमेशा के लिए डूब जाए किंग्स टावर किंग्स पावर किंग्स टावर एंड क्वीन्स पावर एंड टाउन एंड टॉल बाई ग्लिमर ऑफ स्केल ग्लैमर ऑफ फिल्म वॉक्स है King's Tower, Queen's Power and read and and in the gloom, किंग्स टावर क्वींस पावर एंड deep asleep till doom. वो एंड है King का Tower और क्वीन का बावर दोनों ही इतना डीप पानी में डूब जाएंगे कि उनकी ब्राइट लाइट जो है वो फेंट हो जाएगी जब उनकी सारी की सारी होप्स लूज हो जाएंगी तब वो अपनी डिस्ट्रैक्शन तक सैमर वाटर लेक में लॉस्ट हो जाएगी मींस सैमर वाटर लेक में उनका टावर इतना गहरा डूब जाएगा कि उसकी जो थी उसकी ब्राइटनेस उसका प्राइड सब पानी में समा जाएगा इतना गहरा समा जाएगा कि वो सब डिस्ट्रक्शन तक वहीं रहेगा और वहीं This is all about this poem, Ballad of Summer Water, which is written by Sir Williams Watson. Now, it's a time for asking question. So, your first question is What is the name of the lake? What is the name of the lake? Second question is Who fed the stranger? Who fed the stranger? You have to answer these questions in the comment box. Thank you. Stay safe and smiling.